दोस्तों, जब हम कभी भी गूगल पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जैसे कि आपने किसी फ़ोन को सर्च किया, कोई भी स्मार्टफोन आपने सर्च किया गूगल पर, या आपने यूट्यूब पर सर्च किया, या फिर आपने फेसबुक पर सर्च किया, तो दोस्तों वहाँ पे आप देखते होंगे, आपने जैसे यूट्यूब पर सर्च कर लिया तो वो ही प्रोडक्ट यानी कि जो आपने मोबाइल सर्च किया वो मोबाइल आपको गूगल पर भी देखने को मिलेगा एड में, वो ही आपको वहाँ पर फेसबुक पर भी एड में देखने को मिलेगा, और वो ही मोबाइल आपको इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलेगा एड में। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि ये एड कैसे बंद कर सकते हैं? आपने जैसे यूट्यूब पर सर्च किया तो वो आपको यूट्यूब पर ही दिखे वो एड, बाकी और कहीं नहीं दिखे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एड्स। तो ये बंद कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप ऐड लिख दीजिएगा, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं जो भी आपके साथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से आप यहाँ पे ऐड बंद कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी ही ट्रिक आप सबके लिए लाता रहता हूँ। अब दोस्तों, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप अपने मोबाइल में जाइएगा, मोबाइल को वहाँ पे अनलॉक कीजिएगा। अनलॉक करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक सेटिंग्स का ऐप दिखेगा आपके मोबाइल में, उस पर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल कर लेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आपको नीचे एक गूगल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप गूगल के ऑप्शन पे वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो हम यहाँ पे गूगल के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल सा काम होता है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एड्स का ऑप्शन दिखेगा आपको, तो आप यहाँ पे एड्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया एड्स के ऑप्शन पे। अब इस पे क्लिक करने के बाद में एक आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी। यहाँ पे जब आप मोबाइल को बूट करते हैं दोस्तों, रिबूट करते हैं, यहाँ पे जब मोबाइल नया नया लेके आते हैं तो वहाँ पे आपकी एक एडवर्टाइजिंग आईडी बन जाती है, एड आईडी यहाँ पे बन जाती है, ऑटोमेटिक वो बन जाती है यहाँ पे। अब दोस्तों वो आईडी बन जाती है, तो उसी आईडी की वजह से आपको ये एड दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों जब आप यूट्यूब पर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो ये आईडी यहाँ पे फेच करती है आपकी डेटा को, और यही फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल सब जगह यही आपको वो एड दिखाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप रीसेट कर लीजिएगा या इस आईडी को, या फिर आपको क्या करना होगा, आप बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते एड, तो दोस्तों आपको क्या करना है, अदर प्लेटफॉर्म पे आप एड नहीं देखना चाहते प्रोडक्ट का, तो आपको यहाँ पे डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों ध्यान से। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के आपको ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। दिस डिलीट्स योर करेंट एडवर्टाइजिंग आईडी, एप्स कैन स्टिल शो यू एड्स, यानी कि जो भी ऐप है वो आपको एड तो शो करेंगे दोस्तों, एड शो करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन आपने जैसे कि यूट्यूब पर आपने कोई मोबाइल वीवो का मोबाइल सर्च कर लिया, तो दोस्तों आपको वो मोबाइल आपको यानी मोबाइल वीवो का आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम गूगल पर आपको दिखाई नहीं देगा, यानी एड दिखाई नहीं देगा आपको। तो यहाँ पे ये पर्सनलाइज्ड ऐप एड आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको यहाँ पे डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पे क्लिक करना है, और ये आईडी आपको यहाँ से डिलीट कर देनी है। इतना सा काम आपको करना होता है, आपको ये एड दिखाई नहीं देंगे पर्सनलाइज्ड ऐप, बाकी अदर एड होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। आपने जो सर्च किया वो एड आपको दिखाई नहीं देंगे उस कैटेगरी के, बाकी अदर एड आपको दिखाई देंगे। तो आप ये काम कर लीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सब कुछ, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एप्स यूज द डिवाइस एडवर्टाइजिंग आईडी टू शो यू पर्सनलाइज्ड एड्स, व्हेन यू लॉस पर्सनलाइजेशन इट मींस यू हैव लेस कंट्रोल ओवर द टाइप ऑफ एड यू सी। ठीक है दोस्तों, पर्सनलाइज्ड एड्स ऑल्सो हेल्प एप्स लाइक न्यू सब्सक्रिप्शन कीप देयर कंटेंट एंड सर्विस फ्री, यानी कि ये जो पर्सनलाइज्ड ऐप है ये अदर ऐप है उनको हेल्प करते हैं ऐड करने के लिए, यानी कि आपको दिखाने के लिए उनको ये स्पॉन्सरशिप वगैरह ये जो भी होती है ये अदर ऐप पैसा कमाते हैं इससे। यहाँ अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ, आप इसको पढ़िएगा। Your advertising ID will be deleted, यानी कि आपकी जो ID है ये डिलीट हो जाएगी, लेकिन आप फ्यूचर में कभी भी इसको वापस से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है
बट एप्स मे हैव देयर ऑन सेटिंग्स विच कैन ऑल्सो इफेक्ट द टाइप ऑफ एड्स यू सी, यानी कि जो ये इसकी अपनी सेटिंग्स होती है, हम ये हम जो एड सर्च करते हैं, जो भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, वो प्रोडक्ट का एड आपको दिखाई नहीं देगा, उसमें ये प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे, यू कैन ऑलवेज गेट ए न्यू एडवर्टाइजिंग आईडी लेटर, यानी कि आप कभी भी नई आईडी बना सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको कोई भी जो सर्चिंग प्रोडक्ट होता है उसका एड आपको कभी भी मोबाइल में दिखाई नहीं देगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एड को डिलीट कर सकते हैं। पर्सनलाइज एड होते हैं उनको, और यहाँ पे कभी भी वो आपको दिखाई नहीं देंगे, चाहे आप कोई सा ही प्रोडक्ट सर्च करो।